हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्चर्स। वी विल एनालाइज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑन द बेसिस ऑफ वाई एंड चेंज इन वाई। साथ ही साथ हम लोग बैंक मैक्स वन पीसीआर ट्रेंड साइकिल और इंडिया विक्स के डेटा को चेक करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बैंक निफ्टी के साथ। देखेंगे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस जो कि है 32,246 पे 15 जनवरी की क्लोजिंग है, और हम लोग बात कर रहे हैं 21 जनवरी की एक्सपायरी की। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे हाई ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी की, हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज जनरली ट्रेडिंग रेंज होती है। अब हम इस कॉलम से होकर गुजरेंगे और देख फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे कि इधर करीब 11,57,000 का ओपन दर्ज खड़ा है। एडिशन देखेंगे तो करीब 4,10,000 का स्ट्राइक है 32,500 का, तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो होने वाला है। इसके बाद अगर बात करें तो इस जगह पे करीब 9,55,000 का ओपन थ्रेस्ट है। एडिशन देखेंगे तो 3,14,000 का एडिशन है, स्ट्राइक है 33,000 का, तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। ये हमारे लिए फर्स्ट हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस। अगर इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो हमें इधर देखने को मिल सकता है जहाँ पे 2,34,000 का ओपन थ्रेस्ट खड़ा है। एडिशन करीब 2,06,000 का, स्ट्राइक है 32,300 का, तो ये सब स्ट्राइक रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं जहाँ तक बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस का सवाल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है तो देखेंगे कि इधर करीब 6,82,000 का ओपन थ्रेस्ट खड़ा मिलेगा, और एडिशन देखेंगे तो करीब 81,000 का, स्ट्राइक है 31,000 का, तो ये हमारे लिए हाई सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद जो सपोर्ट देखेंगे तो इधर हमें देखने को मिल सकता है 6,07,000 का ओपन रेज खड़ा है। एडिशन करीब 1,67,000 का, स्ट्राइक है 32,000 का, तो ये स्ट्राइक हमारे लिए सेकेंड हाइस्ट सपोर्ट का काम करेगा अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है। तो एक और चीज़ और देखने वाली बात है, इस जगह पर काफ़ी अच्छा पुट राइटिंग अभी भी बना हुआ है, वह स्ट्राइक है 32,500 का। तो जहाँ तक अगर हम रेंज की बात करें कि रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो जो रेंज हमें समझ में आ रहा है, देखने में आ रहा है, वो 32,000 से लेकर 32,500 तक का रेंज दिख रहा है। 32,000 से 32,500 का रेंज दिख रहा है, बहुत स्मॉल रेंज दिख रहा है। बीच में पिवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो 32,300 का स्ट्राइक पिवट स्ट्राइक का काम करेगा। यहाँ पे कॉल साइड में देखेंगे 2,34,000 का ओपन ट्रेस खड़ा है, और पुट साइड में देखेंगे तो 1,28,000 का ओपन ट्रेस खड़ा है दिख रहा है। अगर हम नेट चेंज की बात करेंगे तो इधर कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, इधर पुट राइटिंग होते हुए पुट बाइंग होते हुए दिख रही है, तो ये इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी पे वीकनेस आया हुआ है। तो ये वीकनेस मे भी आगे के सेशन में जारी रह सकती है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। अब हम चलेंगे बाकी और सब डेटा चेक करें, उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी पे, निफ्टी का डेटा चेक करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी की क्लोजिंग जो कि 14,433 पे जनवरी 15 की क्लोजिंग, 21 जनवरी की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी की हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज ट्रेडिंग रेंज होती है, तो आइए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हमें हाईएस्ट कॉल मिलेगा जो हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे इस जगह पे करीब 39,49,000 का ओपन ट्रेस खड़ा है। एडिशन देखिए अपने आप में ह्यूज, तो ये करीब 22,00,000 का ओपन ट्रेस यहाँ पे खड़ा है। स्ट्राइक है 14,600 का। इसके बाद की बात करें तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा। इसके बाद की बात करेंगे तो इधर हमें करीब 33,49,000 का ओपन ट्रेस देखने को मिल रहा है। एडिशन देखिए यहाँ पे करीब 14,00,000 का, स्ट्राइक है 15,000 का, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस का काम करेगा। और इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो हमें इस जगह देखने को मिल सकता है जहाँ 28,00,000 का ओपन ट्रेस है। एडिशन देखिए अपने आप में ह्यूज, करीब 19,00,000 का और 49,500 का स्ट्राइक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। इधर और भी देखेंगे बाकी ये सब स्ट्राइक को भी देखेंगे तो निफ्टी की राह बहुत आसान नहीं दिखती, क्योंकि हर स्ट्राइक पर ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है।
दूसरी तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो कहाँ हमें हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है, तो हमें इस जगह देखने को मिल रहा है करीब 17,43,000 का ओपन रेस एडिशन देखेंगे तो 2,36,000 का स्ट्राइक है 14,500 का, तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद नीचे जाएं तो यहाँ देखेंगे करीब 17,19,000 का ओपन ट्रेस्ट खड़ा है एडिशन करीब 3,19,000 का स्ट्राइक है 14,000 का, तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। और बीच में हमें ये स्ट्राइक 14,400 और 14,300 14,200 भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे सकता है, तो इन सब स्ट्राइक को भी हमें ध्यान रखना है। अगर रेंज की बात करें तो जो रेंज हमें देखने को मिल रहा है वो आपका 14,400 से लेके 14,600 तक का रेंज हमें दिख रहा है। और पिवट स्ट्राइक की बात करें तो 14,500 का पिवट स्ट्राइक दिख रहा है, इसके नीचे रहा तो 14,400 और इसके ऊपर गया तो 14,550 और 14,600 की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। तो 14,500 एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है, पिवट स्ट्राइक है निफ्टी का। और हम नेट चेंज की बात करेंगे तो इधर कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, इधर पुट बाइंग होते हुए दिख रही है। सिंपल इंडिकेशन था कि मार्केट में पिछले दिनों भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जो एक अंदेशा भी था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जिसके लिए हमें रेडी रहना है। तो ये जो कमजोरी दिख रहा है उसी के कारण दिख रहा है, ये मे भी कमजोरी आगे भी रह सकता है, तो इसके लिए भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। आगे अगर देखें बाकी और सब डेटा को कि वहाँ पर क्या चल रहा है, उसके लिए अपनी वेबसाइट पर चलेंगे जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया विक्स के डेटा को। देखिए इसमें कूल ऑफ नहीं, अगर हम लोग इंडिया विक्स से बात करें तो करीब 4.27% का सर्ज देखने को मिला है और इंडिया विक्स भी 24.01 के लेवल पे स्टैंड कर रहा है। तो इसी की बात हम लोग कर रहे थे कि इसके लिए हमें कॉशस रहना है, इंडिया विक्स राइज कर रहा है इसके लिए कॉशस रहना है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो इंडिया विक्स फिर से राइज कर रहा है और बुल रन के लिए इंडिया विक्स को कूल होना जरूरी है। अगर 20 के नीचे आता है तो काफ़ी स्टेबल हम लोग स्टेबिलिटी देख सकते हैं आगे के रैली के लिए। तो ये जो विक्स है इसमें कूलिंग नहीं आ रही है, तो ये कॉशस का मैटर अभी भी बना हुआ है। और बैंक निफ्टी की बात करें मैक्सपेन की, तो देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे की तरफ फिसला है, हल्का सा नेगेटिव है। निफ्टी का मैक्सपेन अभी भी कॉन्स्टेंट है, तो रेंज बाउंड है। पीसीआर की बात करेंगे तो पीसीआर कंफर्टेबल जोन में आ गया, बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दोनों का ही कंफर्टेबल जोन में है, तो ये बता रहा कि मे भी नीचे बाइंग हो सकता है, पीसीआर जिस हिसाब से कम हुआ है तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। और बैंक निफ्टी की ट्रेंड साइकिल देखेंगे तो ट्रेंड साइकिल में बैंक निफ्टी की वीकनेस शो हो रहा है, लेकिन निफ्टी में अभी भी वीकनेस नहीं है। निफ्टी में हालांकि प्रॉफिट बुकिंग आया है लेकिन निफ्टी में भी अभी वीकनेस शो नहीं कर रहा है, तो निफ्टी में भी फिर से बाउंस बैक कर सकता है, ऐसा ट्रेंड साइकिल में निफ्टी का दिख रहा है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस और वाई एनालिसिस बता रहा है कि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग तो आ रहा है, नीचे बाइंग के लिए भी रेडी रहना है हमें, इस तरह से ही ये रणनीति चलनी चाहिए कि नीचे बाइंग और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहना चाहिए। और हमारे लिए कॉशस का जो विषय है वह है इंडिया विक्स का देता है, तो उसके ऊपर भी एक नज़र रखने चाहिए। तो ओवरऑल जो आपका पोजिशन होनी चाहिए बैलेंस होनी चाहिए, ये ओवरऑल एनालिसिस था। होप आप लोगों को पसंद आई, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।